हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। तो क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे, क्लेविकल की एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्लेविकल कौन सी बोन होती है? ये जो एस शेप्ड बोन दिख रही है, एस शेप्ड, क्योंकि इसका शेप एस जैसा है, ठीक है। तो ये होता है क्लेविकल और ये आपकी आपका आपके शोल्डर के पास प्रेजेंट होता है। ये आपकी शोल्डर के पास प्रेजेंट होता है और क्लेविकल की एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं और ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आपका नाम क्या है? फॉरेंसिक साइंस UGC NET, फॉरेंसिक साइंस UGC NET। तो वो सारे बच्चे जो UGC NET फॉरेंसिक साइंस में देना चाहते हैं वहाँ उनको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज उनको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो बच्चे UGC NET के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं पर वो फॉरेंसिक के बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे बुक्स की PDF मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, PDFs मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और जो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो आपको वहाँ पे भी देख सकते हो। तो कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हो, इधर आपके आप से देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब से देख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये मैंने रिमाइंडर दे दिया कि ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने का ये फायदा है कि अभी जो हम क्लास में ये पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल, एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल की PDF मिल जाएगी। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा अभी स्कल सूचर्स के बारे में, उसकी भी लेक्चर आप उसकी उस लेक्चर की भी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मैं एक ही फाइल में सारा कुछ कंपाइल कर दूंगी, एक ही PDF में ऐड कर दूंगी आपका बोन स्कल बोन्स सूचर्स एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल आज का हमारा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। क्लेविकल कौन सी बोन है? दिख गई ना, ये वाली बोन है, दिस इज योर क्लेविकल बोन। तो ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन को आप कॉलर बोन भी कहते हो या फिर कॉलर बोन भी कह सकते हो। क्लेविकल क्या है? क्लेविकल है कॉलर बोन, क्लेविकल इज कॉलर बोन। इट एक्सटेंड बिटवीन द मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम। तो ये स्टर्नम के मैनुब्रियम से एक्सटेंड होके कहाँ तक जाती है? स्कैपुला तक जाती है, किसके? एक्रोमियम, स्कैपुला के एक्रोमियम तक जाती है। तो ये आपका यहाँ पे ये जो आपका स्टर्नम है, ये वाला पार्ट आपका स्टर्नम है, राइट? ये कौन सा बोन है आपका? ये आपकी स्टर्नम है। तो इसका ये वाला पार्ट स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। स्टर्नम के बाद कहाँ से? स्टर्नम के मेडुला, सॉरी, स्टर्नम के मैनुब्रियम पार्ट से कहाँ के? स्कैपुला के एक्रोमियम तक जाती है। स्कैपुला कौन सा है? ये है इधर पे आपका जो ऐसे एक बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज स्कैपुला। तो ये स्कैपुला के पास ही जाके यहाँ पे, मतलब ऐसे कर लो, ये ऐसा टाइप की बोन होती है स्कैपुला, तो स्कैपुला पे जाके ऐड होती है। तो ये क्लियर हो गया। जो क्लेविकल है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है? स्टर्नम के मैनुब्रियम से एक्सटेंड होके स्कैपुला के एक्रोमियम तक एक्सटेंड रहती है। इट इज़ क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन। और ये कौन सी बोन है? ये लॉन्ग बोन है, सॉरी, क्लेविकल आपकी कौन सी बोन है? क्लेविकल आपकी लॉन्ग बोन है। एंड कैन बी पैल्पिटेटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ। इट इज इन थिन इंडिविजुअल्स, इट्स विजिबल अंडर द स्किन। जो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं उन पर ये नॉर्मली भी देखने को मिल जाता है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कुछ गर्ल्स ब्यूटी बोन कहते हैं, बट आई डोंट कंसीडर दैट बोन एज अ ब्यूटी बोन, पर ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, जिसको जैसे कहना है कह लो। तो ये लॉन्ग बोन होता है, ये स्टर्नम आपका लॉन्ग बोन है, कॉलर में आपकी प्रेजेंट होता है और ये थिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है। अब ये फंक्शन क्या होता है इसका? क्लेविकल का क्या काम है आपकी बॉडी में? क्यों है ये आपकी बॉडी में? कुछ तो काम होगा, इसीलिए उसका प्रेजेंस है वहाँ पे। तो क्लेविकल का फंक्शन क्या है? यहाँ पे हमने क्लेविकल के तीन मेन फंक्शंस नोट डाउन किए हैं, तीन मेन फंक्शंस ऐड किए हैं। किसके? क्लेविकल के, आपकी कॉलर बोन के। तो पहला फंक्शन क्या कहता है? इट अटैचेस अपर लिम्ब टू द ट्रंक एज अ पार्ट ऑफ शोल्डर ग्रिडल। तो ये क्या अटैच करता है? ये आपके अपर लिम्ब को ट्रंक से अटैच करता है एज अ पार्ट ऑफ योर शोल्डर ग्रिडल। तो आपके शोल्डर ग्रिडल एज अ पार्ट ऑफ योर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर शोल्डर ग्रिडल, और ये आपके अपर लिम्ब को ट्रंक से अटैच करने का काम करता है, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारे हाथ है वो हमको खुद को नहीं लगते, क्योंकि ये क्योंकि ये क्लेविकल प्रेजेंट होता है। ये हमारे अपर लिम्ब्स को हमारे मिडिल बॉडी से थोड़ा सा दूर रखता है, ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन क्या है? इट अटैचेस अपर लिम्ब टू द ट्रंक एज अ पार्ट ऑफ शोल्डर ग्रिडल। दूसरा काम है प्रोटेक्शन का काम है। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर सप्लाइंग द अपर लिम्ब। तो जितने भी सेंसिटिव चीजें हैं, जितनी भी सेंसिटिव नर्व्स हैं,
उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर, जो भी अंडरलाइन न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तीसरा काम क्या करता है, इट ट्रांसमिट फोर्स, और ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन. अपर लिम्ब से एक्सियल स्केलेटन में फोर्स ट्रांसमिट करने का काम ये करता है. तो ये तीन काम है क्लेविकल के, पहला है अटैचमेंट, दूसरा है प्रोटेक्शन, तीसरा है फोर्स ट्रांसमिशन. तो किनको किनको अटैच करता है, अपर लिम्ब को ट्रंक से अटैच करता है, जितनी भी अंडरलाइन न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर से उनको प्रोटेक्ट करता है, और ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन. हमने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था ना, तो ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम योर अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, अब जो क्लेविकल है वो सबसे पहला बोन होता है जो ऑसिफाई होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो क्लेविकल है इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई. ऑसिफिकेशन पढ़ा है ना हमने बोन का, तो ऑसिफिकेशन में सबसे पहला ऑसिफाई होने वाला बोन क्लेविकल ही होता है, बट कॉन्करेंटली विद द मैंडिबल. ठीक है, ये याद रखेंगे. बट ये याद रखना है कि कभी क्वेश्चन आता है कि पहली बोन वो कौन सी बोन होती है जो ऑसिफाई होती है, वो होती है क्लेविकल. एंड इट कंटेन्स 3 ऑसिफिकेशन सेंटर. और कितने ऑसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑसिफिकेशन सेंटर, 3 सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के. सबसे पहली ऑसिफाई होने वाली बोन है और ऑसिफिकेशन सेंटर भी 3 प्रेजेंट होते हैं. पहला सेंटर है जो प्राइमरी सेंटर, द प्राइमरी सेंटर बिगिन टू ऑसिफाई इन यूट्रो जब वो 5 वीक्स का रहता है. जो बेबी है वो जब 5 वीक का रहता है तब प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है. ओके, क्या बनता है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर. मीडियल और लेटरल सेंटर्स की भी हम बात करेंगे. व्हाइल द सेकेंडरी सेंटर जो स्टर्नल एपिफाइसिस होता है, इट अपीयर्स बिटवीन 18 to 20 years. 18 ईयर्स से 20 ईयर्स के बाद में ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर. पहला ऑसिफिकेशन सेंटर 5 वीक में बन जाएगा इन यूट्रो. इन यूट्रो मीन्स इनसाइड द वोम. ठीक है, इन यूट्रो 5th वीक में प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कब बनता है, इट अपीयर्स बिटवीन 18 years to 20 years, 18 से 20 साल के बीच में. ठीक है, और उसके बाद जो प्राइमरी सेंटर है सेकेंडरी सेंटर है यूनाइट हो जाते हैं 25 साल की उम्र में. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कुछ. अब जो बोनी लैंडमार्क और आर्टिकुलेशन जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं क्लेविकल बोन में, कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क है, कहाँ कहाँ आर्टिकुलेट होती है आपकी क्लेविकल. तो जो क्लेविकल है इट्स अ स्लेंडर बोन, बहुत पतली सी छोटी सी बोन है. उसका शेप होता है एस, छोटी होने के बावजूद भी ये लॉन्ग बोन्स में आती है, क्योंकि ये छोटी इतनी भी छोटी नहीं है कि इसको शॉर्ट बोन्स में कैटेगराइज कर दें, बट ये पतली लंबी बोन होती है और एस शेप की होती है. फेसिंग फॉरवर्ड द मीडियल एस्पेक्ट इज कॉन्वेक्स. जो मीडियल एस्पेक्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है एंड द लेटरल एस्पेक्ट इज कॉनकेव. अब मैंने बोला एस शेप है तो एक पोर्शन कॉन्वेक्स होगा, एक पोर्शन कॉनकेव होगा. तो जो मीडियल पोर्शन होता है, जो मीडियल एस्पेक्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो लेटरल एस्पेक्ट होता है वो कॉनकेव होता है. अब हम जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो हमारा क्लेविकल है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स. तो अस्टर्नल एंड, कौन सा एंड, अस्टर्नल एंड. जो स्टर्नल एंड है वो बीच का जो हिस्सा होता है वो शाफ्ट होता है, दूसरा होता है एक्रोमियल एंड. तो स्टर्नल एंड होता है, एक्रोमियल एंड होता है और शाफ्ट होता है. तो कौन सा एक्रोमियल एंड है, ये वाला एंड एक्रोमियल एंड है. दिस इज योर, दिस एरिया इज योर एक्रोमियल एंड. ये तुम्हारा स्टर्नल एंड है, ये वाला स्टर्नल एंड है, ये वाला एक्रोमियल एंड है. ठीक है, और जो मिडिल पोर्शन है दिस इज शाफ्ट. ये कौन सा है, ये शाफ्ट है. तो पहले स्टर्नल या मीडियल एंड की बात करते हैं. ठीक है, स्टर्नल या मीडियल एंड की बात करते हैं. ये वाला हिस्सा, ये स्टर्नल या मीडियल एंड क्या होता है, इट कंटेन्स लार्ज फेसेट. ये लार्ज फेसेट, बड़ा सा फेसेट कंटेन करता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द मैन्यूब्रियम. और ये कहाँ आर्टिकुलेट करता है, स्टर्नम में, मैन्यूब्रियम में अटैच होता है जाके. और इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविक्युलर जॉइंट. क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविक्युलर जॉइंट कहते हैं. द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द स्टर्नल एंड इज मार्क्ड बाय अ रफ ओवल डिप्रेशन. और यहाँ पे आपको जो इसका इंफीरियर एंड है वो आपको डिप्रेशन दिखेगा, वहाँ पे मार्क डिप्रेशन दिखेगा. और ये डिप्रेशन क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टो क्लेविक्युलर लिगामेंट का प्रेजेंट होना होता है.
तो वो क्रॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट की जगह होती है जिसमें आपको वो बोन में मार्क डिप्रेशन दिखती है, अ लिगामेंट ऑफ स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। ये स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट की लिगामेंट है। जब आपका मैन्यूबरम और ये आपका स्टर्नल एंड जॉइंट होंगे तो किसी लिगामेंट से जॉइंट होंगे, कौन सी लिगामेंट है, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, और इसके वजह से ही आपको जो स्टर्नल एंड में रफ ओवल डिप्रेशन देखने को मिलेगा वो इसी लिगामेंट की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टर्नल एंड क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे शाफ्ट की। तो द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्ट करता है, एंड अटैचमेंट ऑफ सेवरल मसल्स, और यहाँ पे बहुत सारी आपको मसल अटैचमेंट देखने को मिलेगी। कौन कौन सी मसल अटैचमेंट, तो यहाँ पे कुछ मसल्स के नाम है जैसे कि डेल्टॉइड, ट्रैपेजस, सब क्लेविकल्स, क्लेविलस, पेक्टोरियल्स, मेजर और स्टर्नो स्टर्नो क्लेविडो मैस्टॉइड एंड स्टर्नो हायोइड मसल्स। तो ये सारे के सारे, इनका प्रेजेंस यहाँ पे होता है। तो ये बहुत सारे मेडिकल टर्म हैं, तो ये हमारे हमारे कोर्स के एस्पेक्ट से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सारे के सारे मसल अटैचमेंट यहाँ पे होते हैं, तो मैंने एक बार ही इनको ऐड कर देना सही समझा। तो ये आपका शाफ्ट होता है, मिडिल पोर्शन। अब हम अदर एंड की बात करते हैं जो कि लेटरल एंड है, जिसे हम कहते हैं एक्रोमियल एंड। क्या कहते हैं, एक्रोमियल एंड। तो जो एक्रोमियल एंड है, द एक्रोमियल एंड हाउस अ स्मॉल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन, और इसमें कोई बड़ा फेसेट नहीं होता, छोटा सा फेसेट होता है, छोटा सा प्लेस होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है आपके एक्रोमियन को, स्कैपुला के एक्रोमियन से जाके ऐड होता है, और इस जॉइंट को क्या कहते हैं, मैक्लेविकुलर जॉइंट। ये आपका जॉइंट का नाम है। इट ऑल्सो सर्व्स एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर टू लिगामेंट्स, और यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो अटैचमेंट पॉइंट भी होता है, दो लिगामेंट्स यहाँ पे आके ऐड होता है। वो कौन कौन से लिगामेंट हैं, एक है कोनोइड ट्यूबरिकल एंड ट्रैपेजॉइड लाइन। तो कोनोइड ट्यूबरिकल क्या है, इट इज द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ कोनोइड लिगामेंट, ये कोनोइड लिगामेंट का अटैचमेंट पॉइंट है, द मीडियल पार्ट ऑफ द क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग दिस थिंग रॉन्ग। तो ये जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, ये जो जैसे स्पेल करते हैं, आप करेक्टली स्पेल कर देना, एक्सक्यूज मी इफ आई एम यू नो प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो जो कोनोइड ट्रिबिकल होता है वो अटैचमेंट पॉइंट होता है आपके कोनोइड लिगामेंट का, द मीडियल पार्ट ऑफ द, ये कौन सा पार्ट होता है, ये मीडियल पार्ट होता है आपके क्लेविकुलर लिगामेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैपीजॉइड लाइन, ये अटैचमेंट पॉइंट है आपकी ट्रैपीजॉइड लिगामेंट का, द लेटरल पार्ट ऑफ दी, ये आपका कौन सा पार्ट था, ये मीडियल पार्ट है, ये आपका लेटरल पार्ट है ऑफ दैट सेम लिगामेंट, ऑफ द सेम जॉइंट। ओके, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। सो द कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इफेक्टिवली सस्पेंडिंग द वेट ऑफ द अपर लिम फ्रॉम दी क्लेविकल, और ये आपके पूरे के पूरे अपर लिम का वेट भार ले सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग ये लिगामेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है जो आपके पूरे के पूरे अपर लिम को संभाल के भी रखता है और रख सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्लेविकल का काम यही होता है। ओके, नेक्स्ट हम एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला पढ़ेंगे। तो स्कैपुला हमने देखा था ना, ये स्कैपुला पे भी जाके जॉइंट होता है, इसका एक एंड स्कैपुला पे जाके जॉइंट होता है क्लेविकल का। तो स्कैपुला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला। तो आई होप आपको क्लेविकल की एनाटॉमी समझ में आई होगी। क्लेविकल को तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्टर्नल एंड, एक्रोमियल एंड और शाफ्ट। इनके अपने अपने अलग अलग काम है, ये जाके अलग अलग, ये जो एंड है वो अलग अलग चीज़ों से जाके जुड़ते हैं, जैसे कि जो स्टर्नल होता है वो आपके स्टर्नम में, जो स्टर्नल एंड है वो स्टर्नम में जाके ऐड होता है। स्टर्नल एंड इसीलिए इसका नाम है बिकॉज इट्स जॉइनिंग स्टर्नल, तो स्टर्नल के मैन्यूबरम में जाके जॉइंट होता है। जो एक्रोमियल एंड होता है वो एक्रोमियम में जाके जॉइंट होता है, स्कैपुला के एक्रोमियम में जाके जॉइंट होता है, इसीलिए इसका नाम है एक्रोमियल एंड है। ठीक है, बीच का पोर्शन शाफ्ट होता है, इसका मेन काम क्या है, अटैचमेंट प्रोटेक्शन और फोर्स ट्रांसमिशन का काम होता है। तो क्लेविकल हमारी छोटी सी एस शेप की बोन होती है, या आपकी कॉलर बोन होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये सबसे पहली बोन होती है जो ऑसिफाई होती है आपके बॉडी में, और इसका ऑसिफिकेशन फिफ्थ वीक में शुरू हो जाता है। ठीक है, तीन ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हमारे क्लेविकल एनाटॉमी में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया
तो यू कैन गिव दिस लेक्चर अ थम्स अप, आप थम्स अप भी दे सकते हो। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, वीडियोस शेयर कर सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक एज अ लेक्चर चाहिए तो आपको सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला, और एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला पढ़ने के बाद मैं ये PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बाय।